आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। सुदूरवर्ती गांव में 100 लोगों को दी गई राहत सामग्री। बरही, लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए बरही विधायक उमाशंकर अकेला के निर्देशानुसार विधायक प्रतिनिधि विनोद यादव के नेतृत्व में रविवार को सुदूरवर्ती गांव पहुंचे, जहां 100 सामान्य वर्ग के गरीब गुरबा के बीच सोशल डिस्टेंस बनाकर राशन वितरण किया। लाभों के सुदूरवर्ती गांव में परसातरी, पिंडवा, नरसिंहवा, धोबगढ़ गांव शामिल थे, जो नेशनल हाईवे रोड से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ के घने जंगल में बसा है। मौके पर विधायक प्रतिनिधि विनोद यादव ने कहा कि धोबगढ़ ऐसा गांव है जहां आजादी के बाद भी विकास कार्य नहीं हो पाया है। साथ ही बताया कि इस गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र आदि से महरूम है। वहीं दूसरी ओर राज्य में लॉकडाउन है, जिसके कारण यहां के मजदूर वर्ग के लोग अपने घर में बंद हैं, कामकाज में भी लोग नहीं जा रहे। ऐसे संकट के दौर में वैसे लोगों को राहत सामग्री मिलना बेहद जरूरी है। दी गई राहत सामग्री प्रति लोगों में 5 किलो चावल, 500 ग्राम दाल, 1 किलो आलू, 500 ग्राम दाल, 500 ग्राम सर्फ, 250 ग्राम तेल, नमक, साबुन, बिस्कुट आदि दिया गया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि विनोद यादव, मनोहर यादव, नरेश सिंह, मंटू सिंह, यमुना यादव, मुकेश गुप्ता, विनय साहू, प्रमोद सिंह, मोतीलाल सोरेन, जगदीश यादव, राजदेव यादव, रवि सिंह एवं अन्य लोग उपस्थित थे। बरही से अमित सोनी एवं कुनकुन की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप सभी को, मैं जितने आप लोग पत्रकार बंधु जी आए हुए हैं, मैं सबसे पहले आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने दूर रानी चुआ पंचायत में और इतना दूर आना एक बहुत बड़ा कठिनाई का जगह है, उसके बावजूद यहाँ के लोग रहते कैसे हैं वो हम लोग देखे आ जाकर कि यहाँ के लोग की स्थिति क्या है। तो हम लोग माननीय विधायक जी के निर्देश के अनुसार, चूंकि माननीय विधायक जी उमाशंकर अकेला यादव जी जो अभी हम लोग का विधायक जी हैं, तो हमेशा हम लोग को ये दिशा निर्देश देते हैं कि आप लोग वैसे जगह में जाओ जहाँ पर आज तक कोई दिया नहीं जलाया हो, ना बिजली का यहाँ पर कोई व्यवस्था, ना कुआं है, ना चापाकल है, और यहाँ के लोग की जिंदगी किस तरह देश आजाद होने के बावजूद भी यहाँ की स्थिति बहुत बदतर है। तो माननीय विधायक जी यहाँ पर आए थे और हमेशा आकर बोले हैं कि हमको पहला प्राथमिकता है इस धोबगढ़ गांव का और यहाँ का जितने भी गांव है रानी चुआ पंचायत के अंदर, वो सारे को विकास करना माननीय विधायक जी का ये पहला प्राथमिकता है। तो उसी आज जो महामारी है कोरोना का, उसी के संदर्भ में हम लोग भी सोचे कि जो गरीब परिवार है, जो विधवा जो है, जिनको राशन नहीं मिलता है, तो विधायक जी अपने और अपने व्यवस्था के माध्यम से, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, ये सारे लोग कार्यकर्ताओं की व्यवस्था है, माननीय विधायक जी का व्यवस्था है, और उसके माध्यम से जो भी हम लोग को बना, चावल है, गेहूं है, आलू है, सत्तू है, सर्फ है, साबुन है, ये सारे चीज हम लोग थोड़ा थोड़ा जो भी बन पाता है हम लोग यहाँ पर पहुंचाने का काम किए। और अभी हम लोग को आने में इतना दिक्कत हुआ, हम गाड़ी से अपना आए हैं बेलोरो से, उतना उसमें बेलोरो में सामान रखे और यहाँ पर आने में बहुत कठिनाई हुई है, इसको हम लोग देख रहे हैं। आने वाला दिन में जब हम लोग जाएंगे यहाँ से, तो सारा रिपोर्ट हम लोग माननीय विधायक जी को बताएंगे, यहाँ की सरकार को बताएंगे कि यहाँ की स्थिति को हम लोग को सुधारना है। ये लोग कोरोना से कैसे उपाय बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए कोरोना से सुरक्षित रहने का। अभी हम लोग जो सरकार जो चला रही है कि आप लोगों को कोरोना एक बीमारी है, वो कैसे है सुरक्षित रहना है, सबसे पहला बात है कि जब कोई बाहर का लोग आवे गांव में, अगर आता है जो बाहर में मजदूरी कर रहा है, बम्बई है, दिल्ली है, गुजरात है या कहीं भी है, तो उन लोग को सबसे पहले आप स्वास्थ्य केंद्र बरही भेजिए जांच कराने के लिए। और ये मत समझिए कि मेरा परिवार है तो हम इसको अपना घर में चुपके से रख लें, बाद में किसी को पता नहीं चलेगा। तो वो परिवार जो बाहर से आया है, आपके जो पति हैं, भाई हैं या रिश्तेदार हैं, वो आपने भी जब संपर्क करेंगे आपके साथ, तो आपको भी बीमारी हो जाएगा और आप फिर जब गांव वालों को छुएगा तो फिर गांव वालों को हो जाएगा। ये संक्रमण है एक तरह का, इसलिए इससे हम लोग को बचना है, उससे दूरी बनाना है। जब भी कोई बाहर का आदमी आए तो निश्चित तौर पर हम लोग को खबर करें, अस्पताल उसको भेजिए। और अभी 14 तारीख तक हम लोग को अलग अलग रहना है, चाहे वो शहर हो या गांव हो, पहाड़ी इलाका हो या जहां भी हम लोग रहते हैं, हम लोग अलग अलग बना के रखना है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।